बच्चों को हम डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये मेरी वीडियो जो है ये टीचर्स के लिए भी है और ये पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा घर से डिसिप्लिन सीखता है। उसकी मिसालें मैं आपको चंद एक दूंगी। देखिए, घर में हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उनका बच्चा होता है, ठीक है। बच्चे को आदत पड़ रही है ज़्यादा टीवी देखने की, ठीक है, और माँ को लग रहा है कि ज़्यादा टीवी देखना इसकी आंखों के लिए बेहतर नहीं है, और घर में दादी भी हैं और दूसरे भी हैं। अब आपने जब बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है तो शुरू से ही अपने घर के कुछ रूल बनाइए, ठीक है। वो रूल्स जो हैं उनको ओबे करना आपका भी काम है। मसलन अगर बच्चा टीवी देख रहा है तो उसकी मदर उसको ये समझाएगी कि बेटा आपने टीवी ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ 1 आवर के लिए आप कार्टून्स देख सकते हो बस, उसके अलावा टीवी नहीं चलेगा। लेकिन साथ ही दादी या उसका फादर बच्चे का बोल रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्चे को टीवी देखने दो, फिर क्या हुआ, और टीवी से वो कुछ सीख रहा ये है। याद रखिए, जब भी कभी, और ये मोस्टली लोगों के घरों में ऐसा होता है कि एक माँ या बाप किसी बात से मना कर रहा है, तो घर का दूसरा फर्ज दादा दादी पुप्पो या कोई मदर जो है वो उसको उलट कर रही है कि नहीं फिर क्या हुआ, थोड़ी देर देख लें दे, मुझे तंग कर रहा है, थोड़ा बिजी रहेगा इसमें। ऐसे अगर आप करेंगे तो बच्चे बहुत शार्प होते हैं, उसको फौरन जहन में आ जाएगा कि अच्छा मेरी फेवर कर रहे हैं पापा और दादा, अब ये उनके सामने ज़्यादा नखरे दिखाएगा और उसी बात की जिद करेगा जिस पे माँ या कोई दूसरा बड़ा उसको मना कर रहा है। फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, रूल सिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जानबूझकर नहीं करते, सिर्फ एक प्यार होता है बच्चे से कि चलो बच्चे की हर चीज़ को हम मान लें, उसकी किसी चीज़ को हम बुरा मत कहें, मना मत करें। लेकिन याद रखिए, बच्चे ने बच्चा ही नहीं रहना, बड़ा होना है, उसने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना है, अपनी ज़िंदगी में कोई तरीका बनाना है उसने, तो उसको ये सिखाने की जिम्मेदारी हम बड़ों की होती है, माँ बाप की होती है। घर में माँ बाप के अलावा दादा दादी नाना नानी पुप्पो खाला मामू जो भी हैं चचा वगैरह, ये सबकी मिल के ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएं। इसलिए घर का अगर एक फर्द किसी अच्छी बात पे उसको टोक रहा है, गलत बात पर उसको टोक रहा है, तो दूसरे लोगों को भी उसकी फेवर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ें मैंने फैमिली में ज़्यादातर ये देखी हैं जो डिसिप्लिन को ख़राब करती हैं, कि एक बच्चा मुसलसल शरारतें कर रहा है, ठीक है, और घर के एक फैमिली मेम्बर को समझ आ रही है कि शरारत किस तरह की कर रहा है, वो सोफे पे उछल कूद कर रहा है, जूते समेत बेड पे चढ़ रहा है। अब एक घर का फर्ज ये समझ रहा है कि ये तमीज़ नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, वो तो उसको मना कर रहा है कि भाई आप इस तरह की चीज़ नहीं करो, और दूसरा बंदा ये कह रहा है नहीं अभी बच्चा है, अभी उसे पता नहीं है ना, शरारतें करता है, बच्चे ही तो शरारतें करते हैं और कौन करता है ये वो। इस तरह की वर्ड जो लोग बोलते हैं, घर के जो बड़े बोलते हैं, आप यकीन कीजिए वो सबसे ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं। वो जानबूझ के नहीं, बेशक के वो जानबूझ के नहीं घोलते हैं, लेकिन वो अपने प्यार में ही बोल रहे होते हैं कि बच्चे को कुछ ना कहा जाए, मगर बच्चे को आप अच्छे बुरे से मना करेंगे तो ही वो समझेगा ना कि हमने क्या चीज़ ठीक तरीके से करनी है क्या नहीं। अच्छा, अपने घर में तो बच्चों को ये आदत पड़ जाती है, जब आपके बच्चे किसी फूफो मामू किसी खाला के घर जाते हैं ऐसे ही गेस्ट बनकर, तो वहाँ भी बच्चे जूते समेत सोफे पे चढ़ना शुरू कर दें, बेड पे चढ़ना शुरू कर दें, तो जाहिर है जो अगला बंदा है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हो, नफासत पसंद हो, डिसिप्लिन पसंद करता हो, तो उसको ये चीज़ें बहुत अजीब लगेंगी। शायद वो आपके सामने ना बोल पाए, लेकिन आपके जाने के बाद वो ज़रूर कहेगा कि बच्चे की कोई तरबियत नहीं है, बहुत शैतान गंदा बच्चा था, उसको तो तरीका ही नहीं है सोफे पे बैठने का, उसको तो तरीका ही नहीं है कि वो बेड पे जूते लेके नहीं चढ़ते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे को घर से पहले सीखनी होती हैं।